श्योपुर जिले में आज 178.28 लाख की जल आवर्धन योजना श्योपुर जिले के सांसद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इस योजना का भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वर्चुअल रूप से जुड़कर योजना का एक क्लिक से भूमि पूजन किया गया। इस योजना में पार्वती से पानी लाकर बड़ौदा और श्योपुर दोनों नगर पालिकाओं को पानी देने का काम किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में लोगों को पीने के पानी की समस्या ना हो। इस योजना में पार्वती नदी पर 125 मीटर लंबाई स्टॉप डैम बनाया जाएगा, जिससे नदी में पानी इकट्ठा करके शहर के लोगों को पानी की सप्लाई की जाएगी। इस योजना में आने वाली लागत 178.28 लाख की आएगी। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह ने बताया कि योजना में जो लाइन डाली जाएगी उससे शहर की सड़कें खराब नहीं होंगी। उन्होंने ये भी बताया कि शहर की रोडों को मशीनों से तोड़ा जाएगा, जितनी पाइपलाइन उसमें आ सके और जितना रोड खराब होगा उसको रिपेयर कर देंगे। सही करने का काम तुरंत ही किया जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और श्योपुर जिले के लोगों को स्वच्छ व साफ पानी भी मिल सके। इसके लिए सरकार ने ये योजना बनाई है। आप यहाँ पे एक इतनी महती परियोजना को आपने आज भूमि पूजन किया है, किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और कितना लाभ मिलेगा बड़ौदा और श्योपुर की जनता को? आज बड़ौदा और श्योपुर की जनता को एक बड़ी सौगात मिली है। बड़ौदा और श्योपुर दोनों ही जिले के प्रमुख शहरी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में स्वच्छ पानी 24 घंटे नागरिकों को मिले, इसलिए 178 करोड़ रुपए की लागत से जल आवर्धन योजना का आज भूमि पूजन किया गया है। यह पानी पार्वती नदी से श्योपुर बड़ौदा नगर के लिए प्राप्त होगा और इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि आम तौर पर जो लाइन डलती है पानी की तो जनता को कठिनाई होती है, सड़कें भी टूटती हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सड़क को उतना ही काट के पाइपलाइन डाली जाएगी, जिससे सड़क का नुकसान भी ना हो और नागरिक भी कठिनाई से बचें। मैं समझता हूँ आने वाले 30 साल तक श्योपुर और बड़ौदा में इस योजना के बाद पीने के पानी की कोई कमी नहीं होगी। जैसा एक सवाल हो रहा है कि जो स्थानीय चुनाव आ रहे हैं, आज आपने भी कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की थी, वहाँ पे कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया, एकजुटता का संदेश दिया। अब यह बताया जा रहा है कि OBC में पर्याप्त आरक्षण नहीं मिला है, आज कुछ लोगों ने वहाँ पर आकर आपको माला भी भेंट की थी। मैं समझता हूँ कि शायद वो लोग जो व्यवस्था हुई है उसका धन्यवाद देने के लिए आए थे। मध्य प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष OBC के पक्ष को ठीक प्रकार से रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्वीकृति प्रदान की और उसी का परिणाम है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव घोषित हो गए, नगरीय निकाय के चुनाव भी जल्दी घोषित हो जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये अपील करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में बहुमत मिले, जिससे कि जो शहरी क्षेत्र की शक्ल बदलने वाले प्रोजेक्ट हैं उनको अच्छे से किया जा सके और जनता को ये सुविधा प्राप्त हो। माननीय मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, उसमें भाजपा